मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार न्यायालय का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी को अब अपनी गलती स्वीकार कर ओबीसी से माफी मांगनी चाहिए। सूरत कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही टिप्पणियों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। कहा कि पता नहीं कांग्रेस के मित्रों को क्या हो गया है, बड़ा आसान था राहुल जी ओबीसी से माफी मांग लेते, लेकिन कोर्ट के फैसले पर टिप्पणियां की जा रही हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, उंगलियां उठाई जा रही हैं, यहां तक कि न्यायाधीश के बारे में भी उल्टा सीधा बोला जा रहा है। सीएम ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ आप कोर्ट में जाते हो, दूसरी तरफ कोर्ट के बारे में ऊट पटांग बोलते हो, आखिर क्या हो गया है? क्या आप जो कहते हो वही सच है? राहुल जी को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, ओबीसी से माफी मांगनी चाहिए, और कम से कम यह लोकतंत्र है, कांग्रेस के नेताओं को न्यायपालिका का अपमान नहीं करना चाहिए। पूरे देश का विश्वास और भरोसा न्यायपालिका पर है। कांग्रेस के मित्रों को पता नहीं क्या हो गया है, बड़ा आसान था ओबीसी से माफी मांग लेते राहुल जी, लेकिन कोर्ट के फैसले पर टिप्पणियां की जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, उंगलियां उठाई जा रही है, यहां तक के माननीय न्यायाधीश के बारे में भी उल्टा सीधा बोला जा रहा है। अब आप एक तरफ कोर्ट में जाते हो, दूसरी तरफ कोर्ट के बारे में भी ऊटपटांग बोलते हो, आखिर क्या हो गया? क्या आप जो कहते हो वही सच है? राहुल जी को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, ओबीसी से माफी मांगनी चाहिए, और कम से कम ये लोकतंत्र है, कांग्रेस के नेताओं को न्यायपालिका का अपमान नहीं करना चाहिए। पूरे देश का विश्वास और भरोसा है तो न्यायपालिका पर है। कमलनाथ के बीना में अफसरों को लेकर दिए गए बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे यह समझ में नहीं आता कि वे भावी मुख्यमंत्री, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री सब हो गए, लेकिन वे ही कहते हैं कि संगठन कमजोर है, एक कहता है कि बूथ मजबूत है, अब कौन सही बोल रहा है? कमलनाथ जी सही बोल रहे हैं या दिग्विजय सिंह सही बोल रहे हैं? अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता, भावी मुख्यमंत्री, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री सब हो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं संगठन कमजोर है, एक कहते हैं बूथ मजबूत है, अब कौन सही बोल रहे हैं? कमलनाथ जी सही बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी सही बोल रहे हैं? वो दोनों मिलकर फैसला कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।